फिरोजाबाद के 100 सैया अस्पताल में मरीज की उपचार के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। 5 दिन पहले टूंडला निवासी संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह ही परिजनों ने मोबाइल फोन से बातचीत भी की। इलाज के लिए स्टाफ को रुपए देने की मरीज ने परिजनों से बात की थी। परिजन जब रुपए लेकर अस्पताल पहुंचे तो परिजनों ने मरीज का मोबाइल फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद मिला। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद भी परिजनों को सूचना नहीं दी गई। मरीज का मोबाइल फोन भी अस्पताल प्रशासन ने गायब कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर हत्या और मोबाइल लूटने का आरोप लगाकर जिला अस्पताल में हंगामा किया। फिरोजाबाद से किशन चंद, न्यूज फॉर इंडिया। कोई फोन नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं बताई पेशेंट की। 4-5 दिन हो गया आज मेरे को। क्या हुआ था आज उसको? हारदा बुखार में एपीएचओ उसका टेस्ट कराया मैंने, एपीएचओ पॉजिटिव मिला। वहाँ से फिर इमरजेंसी आया, यहाँ उन्होंने भर्ती करने को मना किया। तब फिर उसका डॉक्टर उसने CMS को कंट्रोल रूम से बात की, तब जाकर उन्होंने कहा भाई इमरजेंसी आओ, तुम मुश्किल से एडमिट हुए। पहले तो प्रिंसिपल मैडम की कृपा से एडमिट तो कर लिया, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसका कोई दवा नहीं दी गई, कोई दवा दी। उसका मोबाइल लगा लोगों की रिपोर्ट की गई, DM ने भी रिपोर्ट की, DM ने भेजा अपना कि भाई पेशेंट के साथ सही किया है, उसके बावजूद कोई इलाज नहीं हुआ। ना DM की सुनवाई यहाँ पर, ना अच्छा अस्सी ने भी फोन किया,